जयपुर से अहम खबर है। राम भक्तों के साथ एयरलाइंस का धोखा हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए फ्लाइट बंद की गई। शेड्यूल होने के बावजूद अयोध्या के लिए उड़ानें बंद हैं। 31 मार्च से लागू हुए समय शेड्यूल में अयोध्या के लिए दो उड़ानें थी। इंडिगो और स्पाइसजेट दोनों ने मांगा था अयोध्या के लिए समय। समय मिलने के बाद भी दोनों एयरलाइन नहीं भर रही है उड़ान। एयरलाइन पर डीजीसीए ने भी मौन साधा हुआ है। इस पर जब सवाल किया जा रहा है तो डीजीसीए की तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है और नजर आता है राम भक्तों के साथ एयरलाइंस किस तरह से धोखा कर रही है। जयपुर एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए फ्लाइट बंद की गई। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिया, क्या वजह है कि यहाँ पर पहले फ्लाइट उड़ाने थी, पहले वक्त लिया गया, शेड्यूल हुई और उसके बाद उड़ाने बंद है? क्या इसे परमानेंट बंद किया गया या कोई खास वजह है? श्वेता, देखिएगा कि जयपुर एयरपोर्ट की बात की जाए तो जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर कई ऐसी उड़ाने हैं जो सिर्फ और सिर्फ कागजों के अंदर ही उड़ती हुई नजर आती हैं। हर साल की तरह, चाहे विंटर समर शेड्यूल हो या अलग शेड्यूल हो, विंटर शेड्यूल हो, उन शेड्यूल के अंदर जो रूट लिया जाता है लेकिन फ्लाइटों का संचालन नहीं किया जाता। जब स्पाइसजेट की ओर से फ्लाइट का संचालन किया गया था पहले, लेकिन उसको अचानक बंद कर दिया गया। ऐसे के अंदर फिर इंडिगो की तरफ से समर शेड्यूल के अंदर अयोध्या के लिए उड़ान भरने के लिए समय लिया गया, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। अब तक दोनों फ्लाइटों की ओर, दोनों जो एयरलाइंस है उनकी तरफ से स्पाइसजेट की अयोध्या के लिए समय लिया गया है। समय अलॉट भी हो चुका है, स्लॉट मिल चुका है, लेकिन अब तक इस रूट के ऊपर फ्लाइट का संचालन नहीं किया जा रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी है और एक तरीके से राम भक्तों के साथ धोखा है, क्योंकि अगर सड़क मार्ग से जाते हैं तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे के अंदर सीधी अगर फ्लाइट यहां से शुरू होती है तो काफी राहत यात्रियों को मिल सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी एयरलाइंस कंपनियों ने पहले तो सपने दिखाए, यहां से फ्लाइट शुरू की और उसको अचानक बंद कर दिया गया। एक स्पाइसजेट ने कुछ दिनों के लिए शुरू की थी, लेकिन इंडिगो ने अब तक एक बार भी फ्लाइट शुरू नहीं की। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि डीजीसीए एयरलाइंस की मनमानी पर लगाम लगा पाएगा, क्योंकि अयोध्या की बात नहीं, अयोध्या के अलावा कई ऐसी। लेकिन जिया, अगर डीजीसीए ऐसे मौन साध कर रखेगा तो एयरलाइन की मनमानी बढ़ेगी। आने वाले वक्त में भी कभी भी कोई भी फ्लाइट वो अपने मन से बंद कर देंगे और कोई एक्शन नहीं, तो ऐसे में तो एक्शन होना जरूरी है। देखिए, एक्शन किसी अगर देखा जाए तो नजर नहीं आता कहीं पे भी, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पे आप देखिएगा कि कभी भी कोई सी भी फ्लाइट, जो फ्लाइटें हैं जो संचालित होती हैं यहाँ पे किसी भी शहर की, नहीं कभी भी किसी भी समय उनको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के पीछे तकनीकी कारण या अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन उन सबका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। डीजीसीए स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन स्पष्टीकरण मांगने के बाद कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती, और ये अमूमन रोजाना ही होता है। फ्लाइट कैंसिलेशन लगातार चलती रहती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। रूट लिया जाता है फ्लाइट संचालन करने के लिए, लेकिन उन फ्लाइटों का संचालन नहीं किया जाता, सिर्फ कागजों में ही उड़ता हुआ दिखाया जाता है उन फ्लाइटों को। तो ऐसे में सवाल तो ये उठता है ना, क्या डीजीसीए बोनस साबित हो रहा है इनके सामने, एयरलाइंस कंपनियों के सामने? इनकी मनमानियों को कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। ऐसे में यात्री जब सवाल खड़ा करते हैं तो उनको जवाब दिया जाता है कि जब मर्जी होगी तब संचालित की जाएगी, अभी यात्री भार नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। जयपुर एयरपोर्ट से अगर ये फ्लाइट संचालित होती है, स्पाइसजेट ने जब संचालित की थी कुछ दिनों के लिए, तब लगातार इसके अंदर सीटें थी वो फुल थी। ऐसा नहीं था विमान खाली जा रहा हो या किसी तरह की कोई नुकसान के अंदर एयरलाइंस कंपनी हो, लेकिन फिर भी उसको बंद कर दिया गया। उस जगह की जो फ्लाइट थी, जो विमान वहां चलना था, उसको दूसरे रूट के ऊपर संचालित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी है और खासतौर से जयपुर एयरपोर्ट पर ये कुछ ज्यादा ही नजर आती है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब देखते हैं और उम्मीद भी है कि कोई एक्शन यहाँ पर हो, कोई कार्रवाई हो, ताकि यात्रियों को राहत भी मिल सके और ये फ्लाइट चालू हो सके अगर शेड्यूल है तो।